हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हो? जय माता दी। आज मैं आपके साथ आपके घर के नन्हे मुन्ने प्यारे से बेबी के लिए सुपर हेल्दी वेट गेन रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस फूड को खाने से आपके बेबी को भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन मिल जाएगा, जो कि बेबी के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अति आवश्यक है। और अगर आपका बेबी फूड खाने में आनाकानी करता है, तो आप एक बार इस फूड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका बेबी आपसे मांग मांग कर खाएगा। तो चलिए दोस्तों, फूड बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए, एक प्लेट में मैंने निकाल ली है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने लाल मसूर की दाल ले ली है 2 छोटे चम्मच के बराबर। अब इसके बाद दोस्तों, हम इसमें 2 छोटे चम्मच दलिया ऐड कर देंगे और अच्छे से 2 से 3 बार साफ पानी से धो लेंगे और 1 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों, अगर दलिया और दाल को भिगो के रखेंगे 1 घंटे तक, तो दोनों चीज़ अच्छे से फूल के रेडी हो जाएगी। और जब आप बेबी के लिए फूड बनाएंगे, तो बेबी के लिए फूड बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब इसके बाद दोस्तों, मैंने कुछ हरी सब्जियां ले ली है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, थोड़ी सी बीन्स, थोड़ी सी मटर और थोड़ी सी संतरी गाजर ले ली है। और इस फूड को खाने से आपके बेबी का पेट लंबे समय तक भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फूड बनाना तैयार करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन करते हुए गैस के ऊपर प्रेशर कुकर रख लिया है। अब 1 चम्मच देसी घी ऐड कर लेंगे। देसी घी को अच्छे से गलने देंगे और गैस की फ्लेम आप मीडियम कर लीजिएगा। अब इसमें हम चुटकी भर बराबर जीरा ऐड कर लेंगे और थोड़ी सी हींग ऐड कर लेंगे और जीरे को अच्छे से घी के साथ चटकने देंगे। अब इसके बाद हम सब्जियां ऐड कर लेंगे। तो संतरी गाजर ऐड कर लेंगे दोस्तों। अब इसके बाद हम मटर ऐड कर लेंगे और बीन्स ऐड कर लेंगे। अच्छे से करछी चला लेंगे और 10 से 20 सेकंड तक मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो सब्जियाँ हैं अच्छे से भून चुकी है और जो हमने दाल और दलिया 1 घंटे पहले भिगो के रखा था, उसे ऐड कर लेंगे और 30 से 40 सेकंड तक मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो सारी सब्जियां हैं और दाल है और दलिया है अच्छे से भुन चुके हैं। 20 से 30 सेकंड लगभग हो चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो नमक अवॉइड कर दीजिएगा। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। अब 10 सेकंड तक करछी को चला लीजिएगा और अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब इसमें हम 250 ml के करीब पानी ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और 5 से 6 सीटी मीडियम फ्लेम में आने देंगे। तो बस दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि बेबी के लिए एक सुपर हेल्दी फूड बनकर तैयार हो रहा है। आप एक बार इस फूड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 5 से 6 सीटी लगभग आ चुकी है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल के देख लेते हैं कि फूड किस तरीके से रेडी हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोस्तों, बेबी के लिए एक सुपर हेल्दी फूड बनकर तैयार हो गया है। अब इसे करछी से अच्छे से मैश कर लेंगे और आप चाहे तो मिक्सी ग्राइंडर के जार में इसकी एक अच्छी सी प्यूरी भी बनाकर दे सकते हैं बेबी को। और दोस्तों, चलिए अब फूड को एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। अगर दोस्तों आपका बेबी 8 महीने से ऊपर है, तो आप इस फूड को इतनी क्वांटिटी में अपने बेबी को दे सकते हैं और यकीन मानिए, आपका बेबी बहुत ही चाव से खाएगा। तो चलिए अब अपने बेबी को फूड खिलाने के लिए रेडी कर लेते हैं। जो मेरी बेबी है 1 ईयर की कंप्लीट हो चुकी है, उसी के लिए ये फूड बनकर रेडी हुआ है। इस फूड को आप अपने बेबी को लंच, डिनर किसी भी टाइम पर दे सकते हैं और यकीन मानिए दोस्तों, आपके बेबी का पेट लंबे समय तक आसानी से भरा रहेगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरे द्वारा बताई गई फूड रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आसानी से मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।